राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के घोरपुर थाने के सामने स्थित हाईवे से घोरपुर बाजार की ओर साइकिल से जा रहे एक युवक को ट्रक ने रौंद दिया। बताया जाता है कि उसकी मौत मौके पर ही हो गई थी। बवाल ना हो इसके मद्देनजर शव को पुलिस इलाज के बहाने तत्काल अस्पताल लेकर चली गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना की जानकारी होने पर मजदूर के घर में कोहराम मच गया। क्षेत्र के सिमरा कलबना गाँव निवासी संतलाल विश्वकर्मा का इकलौता पुत्र समर बहादुर गुंडा 42 वर्षीय फर्नीचर का काम करके अपने दो बेटों और दो बेटी व पत्नी विजयलक्ष्मी और माता पिता का भरण पोषण किया करता था। शनिवार की सुबह वह अपने साइकिल से किसी काम से घोरपुर बाजार की ओर जा रहा था कि अभी वह घोरपुर के थाने सामने पहुंचा कि हाईवे के से पहले ही खड़ी 112 यूपी डायल पुलिस की जीप पर बैठे एक सिपाही ने अचानक दरवाजा खोल दिया, जिससे समर बहादुर की साइकिल दरवाजे से भिड़ गई और वह साइकिल समेत सड़क पर गिर गया। इसी बीच सामने से आए ट्रक ने समर बहादुर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना होते देख 112 यूपी डायल पुलिस मौके से वाहन छोड़ थाने के अंदर घुस गए। बवाल न हो इससे बचाने के लिए आनन-फानन में इलाज के बहाने पुलिस उसे अस्पताल लेकर चली गई। उसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की सूचना पर परिजनों को हुई तो कोहराम मच गया। परिजनों सहित गांव के सैकड़ों लोग घटना स्थल पर पहुंच गए और पुलिस की लापरवाही के चलते पुलिस घटना को लेकर जुटी भीड़ ने घटना स्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों को खूब गाली गलौज दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ट्रक समेत चालक को पकड़ लिया गया है।